कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार भारत से जुड़े मुद्दों को वहां पर उठा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका में जो भारतीय हैं उनकी समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिस खबर ने मोदी सरकार की बेचैनी को और बढ़ा दिया। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा की और इस सभा में लाखों से ज़्यादा भीड़ दिखती नजर आई, जिसमें ज़्यादातर लोग ना सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे बल्कि राहुल गांधी से जो सवाल कर रहे थे राहुल गांधी ने उन सवालों का जवाब भी दिया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, देश में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत है, यहाँ पे जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा रहे। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से भारत में विपक्षी पार्टियों को घेरा जा रहा है और विपक्ष पर जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, ये बताता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। हालांकि राहुल गांधी ने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी संसद सदस्यता जो चली गई, इसके साथ ही उन्होंने अडानी जैसे कारोबारियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी राज में केवल अडानी, अंबानी और कुछ बड़े बिजनेसमैन ही फल फूल रहे, बाकी देश के बिजनेस की हालत खराब पड़ी है। दरअसल देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जब से अमेरिका दौरे पर हैं वो हर एक मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी भी राहुल गांधी पर पलटवार कर रही है और उनका कहना है कि राहुल गांधी को विदेश में जाकर इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार केवल अपने देश में ही तानाशाही बना सकती है, किसी और देश में नहीं। और राहुल गांधी ने कहा कि यह उनका अधिकार है कि वो किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं या जो भी उन्हें लगता है वो विदेश में जाकर उस मुद्दे पर आवाज़ उठा सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे से भारत आएंगे तो क्या यहां पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी या फिर राहुल गांधी आके ही इसी तरीके से सरकार को घेरते रहेंगे। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।